सच साहस सरोकार। निकाय के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, मई और जून में बीजेपी चलाएगी जनसंपर्क अभियान। निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न, सपा ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप, मतदान में धांधली का आरोप, सीबीएसई बोर्ड का नतीजे आज। 12वीं के सीबीएसई बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। कानपुर के 3 बूथों पर दोबारा हो रहा है मतदान, वार्ड संख्या 16, 22 और 25 में मतदान। यूपी में लगातार बढ़ रही गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, शनिवार को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही समाजवादी पार्टी ने मतदान की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखित बयान जारी कर मतदान में धांधली के आरोप लगाए हैं। इस बयान में उन्होंने निकाय चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया है। सपा अध्यक्ष ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सरकार के इशारे पर निकाय चुनाव में जमकर धांधली की गई है, प्रशासन और चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, बीजेपी के तरफ से निकाय चुनाव में देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से धांधली के आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर। जी बिल्कुल, आरोप यहाँ लगना लाजमी भी है कि जिस तरह से वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर, फर्जी मतदान को लेकर यहाँ पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है, तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग की गरिमा को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठाया, कहीं ना कहीं यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि इतनी वारदातें, इतनी जानकारी, इतनी घटना होने के बावजूद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लेगा, क्योंकि लगातार ये जो प्रक्रिया है या ये मामला है, ये पहले चरण में 4 मई को हुआ, तब भी वहाँ पर तमाम लोगों के नाम गायब थे और ये कहा जा रहा था राजन चौधरी समाजवादी पार्टी के जो नेता है, उन्होंने भी एक लिखित ज्ञापन राज्यपाल को दिया था, चुनाव आयोग को दिया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ जो गड़बड़ी हो रही है उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर अभी हम देखें 4 मई की बात करें या 11 मई की बात करें, दोनों स्थिति में सामने यही सामने आया है कि वहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम गायब थे, फर्जी मतदान की भी जानकारी मिली है, क्योंकि अगर हम कल की बात करें नंदिनी, तो यहाँ पर 100 से ज्यादा फर्जी मतदाताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि वर्ग विशेष के लोगों को मतदान करने से रोका गया है, और खासतौर से कन्नौज में उन्होंने तमाम नगर पालिका, ग्राम गुड़साहेगंज की बात करें, चाहे त्रिभा की बात करें, चाहे कन्नौज के अन्य नगर पालिकाओं की बात करें, चाहे कन्नौज नगर पालिका की बात करें, तमाम उन्होंने आरोप लगाए कि वहां पर जमकर धांधली हुई है और वहां पर कई बूथों पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान ही नहीं लिया है, जबकि वो पत्र के माध्यम से, शिकायत के माध्यम से बता चुके हैं, पर यहाँ पर मतदाता स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान करने से वंचित रखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव आयोग की गरिमा को लेकर, चुनाव आयोग की जो भूमिका है उसे प्रश्न उठता है, जिस तरह से कन्नौज में हुआ है और तमाम जगह हुआ है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शक के घेरे में है, और अखिलेश यादव ने इसी को लेकर आप आरोप लगाया है। अगर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहाँ समाजवादी पार्टी के विधानसभा मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे वहां पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका पे सवाल है और बीजेपी ने यहाँ पर सत्ता पक्ष का लाभ उठाते हुए पूरी तरह से जो मतदान है वो अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया है, और मतदान में जमकर धांधली हुई है। इस बात के मानने से मनोज कुमार पांडे, जो कि विधानसभा में मुख्य समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक है, उन्होंने इस बात को कहा है, अखिलेश यादव ने एक लेटर के माध्यम से तमाम धांधली की बात यहाँ पर कही है। गौरव, आपने जिस तरीके से बताया कि फर्जी वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, वहीं पर ये भी सामने आया कि वोटर आईडी क्या आधार माना जाता है वोटिंग करने के लिए, लेकिन कई भी और आईडी होते हैं जिनको दिखाकर वोट दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, 17 से ज्यादा जो कागज होते हैं उनके आधार पर आप वोट डालने जा सकते हैं। पर्ची की अनिवार्यता क्यों मेरी समझ से बाहर है, मैं तो कई बार इस माध्यम को उठा भी चुका हूँ, इसके पहले भी प्राइम टीवी ने इस मामले को उठाया था और हमने कहा था कि जो पर्ची है उसकी आवश्यकता क्या है, जब 17 प्रूफ आप चुनाव आयोग आपको बोलता है, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे आपकी खतौनी हो, चाहे आपकी वोटर आईडी हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका बैंक की पासबुक हो, चाहे आपका डाकघर का खाता हो, 17 से ज्यादा जो है वो आपके कागजात दस्तावेज आपका अगर आपके पास है, कोई एक दस्तावेज जाकर आप वोट डाल सकते हैं। अगर आपके पास वहाँ पर राशन कार्ड है और वहाँ के
बाढ़ के मतदाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब पर्ची के माध्यम क्यों बनाया जा रहा है, पर्ची का इंतजार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो साइट यहाँ पर बनाई गई थी कि साइट पे जाकर देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं साइट पे भी जो प्रक्रिया थी बड़ी स्लो थी, वहां पर भी लोगों को मिल नहीं पा रहा था, बार बार साइट बंद हो जा रही थी, तो लोगों को यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और निश्चित मुश्किल सामना करना पड़ेगा, तो लोगों के मन में एक व्यग्रता भी होगी और एक शायद हतोत्साहित भी लोग यहाँ पर आएंगे। मैंने भी तमाम कवरेज किया था, वहां पर मैंने देखा था कि लोग हतोत्साहित थे, दूर दूर से मतदान करने आए, उनका कहना था कि मतदान नहीं कर पाए हम अपने पक्ष से, अपना यानी जो हमारा मूल अधिकार है, बहुत बड़ा लोकतंत्र पर्व होता है, मतदान होता है, अगर मतदान नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए भी हतोत्साहित का विषय है और कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग की भूमिका पे भी प्रश्नचिन्ह लगाता है। गौरव, चुनाव संपन्न हो चुका है, कल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पत्र लिखा गया है, क्या चुनाव आयोग उस पर कुछ एक्शन लेगा? देखिए नंदिनी, मैं आपको बताऊँ, चुनाव होते हैं, पत्र जारी होते हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं, पर मेरा मानना यह है कि अब तक उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। अगर कार्रवाई की बात करें, हाल में तमाम उपचुनाव हुए, वहां पर भी तमाम तरह के फर्जी मतदान की बात कही गई, वहां पर कम मतदान की बात कही। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजधानी लखनऊ में केवल 36-38% मतदान हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रश्न होता है कि लोग मतदान ले क्यों नहीं जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में ही वोट परसेंटेज बढ़ता, वहीं पर मतदाता वोट डालने जाते हैं, बड़े उत्साह के साथ जाते हैं, पर वहां पर भी तमाम गड़बड़ी पाई गई। और कहीं ना कहीं अगर नगर निगमों की बात करें, सबसे ज्यादा नगर निगमों में अगर वोट की बात करें तो यहाँ पर केवल शाहजहापुर जो भी हाल में ही नगर निगम बनाया गया, वहां पर 50% मतदान हुआ, बाकी सब नगर निगमों की बात करें तो 38-42% का मतदान हुआ। कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न यहाँ पर होता है कि जो हमारे स्थानीय जो निकाय है, जो नगर निगमों के मतदाता है, वो वोट डालने क्यों नहीं जा रहे हैं। कई जगह हमने देखा था कि वहां पर लोगों के नाम गए थे, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव भी पड़ता है, जहां पर 700 से ज्यादा वोट है वहां पर केवल 300-400 वोट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो मत प्रतिशत उसको भी कम करता है, वो आदमी के मन में एक भावना भी लाता है कि हम आज लोकतंत्र के महापर्व में अपने मत का उपयोग नहीं कर पाए, किसको डालना चाहता है किसको नहीं डालना चाहता है, सबका अधिकार होता है, मोहल्ले का चुनाव है, शहर की सरकार है, यहाँ पर प्रत्येक मत का बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। हमने पहले भी देखा है 4-4 मतों से लोग हारे और जीते हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक मत की बहुत बड़ी भूमिका है, और अगर किसी को मत डालने नहीं दिया जाता है या वंचित रखा जाता है या धांधली होती है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के महापर्व के साथ भी खिलवाड़ है, और शायद लोगों के साथ जो हमारा मौलिक अधिकार है मत डालने का, उसके साथ भी बड़ी खिलवाड़ है। गौरव, कल चुनाव जब तो कई जगहों से ये शिकायत आई कि अगर परिवार में 10 लोग हैं वोट देने के लिए, तो वोटर लिस्ट में सिर्फ 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है, 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है, तो ये आखिर गड़बड़ी कहां से हुई? देखिए नंदिनी, निश्चित रूप से इसमें जवाबदेही तय करनी होगी, मैंने अपने कार्यक्रम के माध्यम से इस पर प्रश्न भी उठाया था, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। अगर 10 लोगों के नाम है उसमें केवल 2 लोगों के नाम मतदाता सूची में क्यों जा रहा है, बाकी 8 के नाम क्यों नहीं है, क्योंकि वही मतदाता है जो विधानसभा चुनाव में ही वोट करते हैं, ये वही मतदाता है जो आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में वोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ बड़ा प्रश्न उठता है चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं को लेकर। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर चुनाव नवंबर में होने वाले थे, और नवंबर चुनाव होने के बाद आरक्षण के मामले को लेकर इसमें टल गया था, उसके बाद सरसी कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद आरक्षण दोबारा हुआ, उसके बाद ये चुनाव कराए गए हैं, 6 से ज्यादा महीने के समय चुनाव के पास था, उसके बावजूद अगर तमाम तरह की व्यवस्था खराब हुई है, पर्ची नहीं निकल पाई है, लोगों के नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न यहाँ चुनाव आयोग की भूमिका पर उठता है कि इतना समय मिलने के बावजूद भी आप चीजों को दुरुस्त क्यों नहीं करा पाए, बीएलओ की व्यवस्थाएं क्यों नहीं बेहतर हो पाई, और लोगों के नाम क्यों नहीं आए, अगर मतदाता सूची की अनिवार्यता क्यों रखी गई, जो दस्तावेज है उनके आधार पर वोट क्यों नहीं डलवाए गए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 87.33% स्टूडेंट कक्षा 12वीं की परीक्षा में पास हुए हैं। नोएडा रीजन में 80.36% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, जबकि देहरादून रीजन में 80.26% छात्र छात्राएं पास हुए हैं, और प्रयागराज रीजन में 78.05% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। त्रिवेंद्रम रीजन में 99.91% छात्र छात्राएं वहां पर पास हुए हैं और टॉप भी किया है। लड़कियां 90.68% के साथ साथ लड़कों से 6.01% आगे भी रहीं। यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान संपन्न हो गया और शनिवार 13 मई को चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। नतीजों से पहले सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और वो नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी निकाय चुनाव समाप्त होते ही अपने आगे की रणनीति में जुट गई है। निकाय चुनाव में जीत के लिए आश्वस्त बीजेपी ने अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने इसके लिए अपनी रणनीति पर काम भी करना शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी मई और जून में जनसंपर्क अभियान चलाएगी और घर घर जाकर भाजपा सांसद वोटरों से संवाद करेगी।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, 13 मई को रिजल्ट आने हैं, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ गई 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए नंदनी, यहाँ पर चुनाव तो महत्वपूर्ण है और जिस तरह से बीजेपी अपने चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी में, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इतनी जल्दी तैयारी क्यों, क्योंकि अभी हमने हाल में देखा कर्नाटक में जो एग्जिट पोल आया है, यानी कि बीजेपी लिए खतरे की घंटी ये दिखाता नजर आ रहा है। और हम बात करें हिमाचल में बीजेपी सरकार चली गई है, अगर हम दिल्ली नगाय की बात करें तो वहां पर बीजेपी को 15 साल बाद बीजेपी की बादशाह खत्म हुई है, तो कहेंगे बीजेपी को ये लग रहा है कि अब हमको तो तैयारियां पुख्ता करनी पड़ेंगी और जनता के बीच अगर हमारा विश्वास कम हो रहा है तो उसको पुख्ता करने का प्रयास जारी है, संवाद स्थापित करने की तैयारी, क्योंकि यहाँ पर अगर संवाद स्थापित नहीं करेंगे, नीति नहीं पहुंचाएंगे, योजना नहीं पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं आगामी 24 के चुनाव में यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तैयारी कितनी पुख्ता हो, अगर तैयारी पहले से होती है तो शायद उसका परिणाम आपको बेहतर मिलता है। बीजेपी हमेशा जैसा बेहतर करती आ रही है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हाल में अधिसूचना जारी हुई है कि अभी एमएलसी चुनाव भी होना है, उसके बाद यहां पर बीजेपी 15 मई के बाद यहां पर तैयारी कर रही है, मई और जून में घर घर जाएंगे, सम्मान स्थापित करेंगे। और मैं आपको बता दूं 19 की पत्रकार में चलते यहाँ पर और व्यवस्थित हो जाती है, 19 की पत्रकार की बात करें तो यहाँ पर 19 पत्रकार में बीजेपी के सांसद और विधायकों द्वारा चौपाल लगाई जाती थी, मंत्री द्वारा चौपाल लगाई जाती थी, कुछ ऐसे ही तमाम तरह के प्रोग्राम बीजेपी चलाएगी, जनसंपर्क अभियान चलाएगी, लोगों से मिलेगी, गांव गांव जाएगी और जो भाजपा सांसद हैं वो वोटर संवाद करेंगे, क्या दिक्कतें हैं और क्या कर हमने यहाँ पर किया है और क्या जरूरतें हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर एजेंडा भी तय होगा, क्योंकि एजेंडा भी बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि चुनाव अगर 24 चुनाव की बात करें तो 1 साल से कम का समय रह गया है, समय भी कम है क्योंकि यहाँ पर लगातार तमाम राज्यों में चुनाव भी है, उसको भी देखते बीजेपी तैयारी करनी है। और लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, केंद्र की सरकार पर कुर्सी पर बैठना है तो वहां के लिए मेहनत पूरी होनी चाहिए, हालांकि बीजेपी की पूरी मेहनत यहाँ पर लगातार चल रही है, रणनीति के साथ काम कर रही है, पर चूंकि कुछ जगह यहाँ पर अभी नुकसान की उम्मीद उसको नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूती करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश में अगर आपने अच्छी तरह अपनी बादशाह अपनी जनाधार आपने पा लिया तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के रास्ते केंद्र की सरकार बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। नंदनी गौरव, हमेशा बीजेपी कहती है कि वो चुनावी मोड में रहती है, कोई भी चुनाव उनके लिए छोटा या बड़ा नहीं होता है, सांसदों को जनसंपर्क अभियान का जिम्मेदारी दी गई है, इसके अलावा क्या कुछ और रणनीति बनाई जा रही है? देखिए बीजेपी का कहना है कि चुनावी मोड रहती है, बिल्कुल अहम बात है, चुनावी मोड में रहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी में संगठन या पदाधिकारी बड़े से बड़ा नेता होता है, चाहे वो मंत्री हो, वो पन्ना प्रमाण पत्र की व्यवस्था होती है जिसमें एक जो पन्ना होता है जिसमें कितने वोटर होते हैं उसकी व्यवस्था को देखना होता है, उसकी उसकी यानी जो उसको अपने पक्ष में करने की जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख की होती है। मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह स्वयं गुजरात चुनाव में पन्ना प्रमुख बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं रहती हैं उसको बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री पदाधिकारी यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ पर भी उसी स्थिति से पटकरा पर चलते हुए प्रयास किए जाएंगे। और मुझे उम्मीद लगती है कि शायद मई या जून के बाद जुलाई से सम्मेलन भी शुरू हो सकते हैं, क्योंकि 14 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें तो बीजेपी सरकार द्वारा लगातार कोशिश की गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां कह रही है वो एकजुट हो रही है? देखिए चुनौतीपूर्ण यहाँ पर यह है कि तमाम जगह बीजेपी को नुकसान हुआ है जी। और जहाँ नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं वहां पर केंद्र का नुकसान भी होना तय हो जाता है। कर्नाटक में जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहा है, हालांकि अभी परिणाम सामने नहीं आया पर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं हताशा का माहौल यहाँ पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छवि को सुधारते हुए बेहतर करने का प्रयास जरूरी है और जहां जहां राज्यों में हम कम हैं वहां पर किस तरह से बेहतर किया जाए, उत्तर प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश में जहां जहां हम हारे हैं उसको कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी को अगर अलग भी करते तो बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जीती थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान की बात जो हो रही है उसको देखना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात है नंदनी यहाँ पर यह है कि अगर चुनाव लड़ना है तो चुनावी मोड में रहते हुए यहाँ पर रणनीति पहले से बनानी होगी, अगर हम आखिरी समय में रणनीति बनाएंगे तो शायद हमको नुकसान हो सकता है। और बीजेपी फिलहाल यहाँ पर कोई भी रणनीति या कोई भी नुकसान की इस समय उसमें स्थिति में नहीं है, वो चाहती है कि हम तैयारी करें, संवाद स्थापित हो, जनसंघ का बयान हम करें, सम्मेलन भी कराएंगे ये भी निश्चित है, क्योंकि यहाँ सम्मेलन वाला दौर है, इन्होंने पहले भी इनके लिए कारगर रहा है। और निश्चित रूप से मेरी उम्मीद ये है कि समय अनुसार यहाँ पर जाति वर्ग के और धर्म विशेष सम्मेलन भी यहाँ पर होंगे, इससे पहले भी हमने देखा है विधानसभा चुनाव के दौरान भी तमाम वर्गों के सम्मेलन हुए थे, पसमांदा समाज के सम्मेलन हुए थे और तमाम सम्मेलन के माध्यम से जाति वर्गों को साधने का प्रयास किया गया था। नंदनी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव।
कानपुर के बिल्हौर नगर पंचायत में आज फिर मतदान कराया जा रहा है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव के दौरान गुरुवार को मतपेटिका में तेजाब और पानी डालने की घटनाओं के बाद निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान का फैसला लिया है। नगर पंचायत के वार्ड संख्या 16, 22 और 25 में फिर से मतदान कराया जा रहा है। शुक्रवार सुबह 7 बजे से तीनों वार्डों में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यूपी में दूसरे चरण में वोटिंग समाप्त होने के साथ ही निकाय चुनाव का रण थम गया। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम और बैलेट बॉक्स में कैद हो गई। सभी 38 जिलों में छिटपुट बवाल की घटनाओं के साथ शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। दूसरे चरण में 7 नगर निगम सीटों के लिए हुई वोटिंग कल संपन्न हो गई। 581 नगर निगम पार्षदों के लिए वोट पड़े हैं। बेमौसम बारिश की वजह से यूपी के लोगों को कई महीनों में मई के महीने में ही शुरुआती दिनों में गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। मई मौसम विभाग ने भी हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी के प्रकोप के साथ सर्दी खांसी बुखार के अलावा पेट दर्द और उल्टी के मरीज बढ़ने की आशंका बताई गई है। मेरठ में गंगानगर क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी स्थित बूथ पर भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगा है। आरोप लगाते हुए अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि उन्होंने अपने लोगों से फर्जी मतदान कराया। यह देख जब कार्यकर्ताओं ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो एमएलसी ने मोबाइल छीन लिया और धमकी देने लगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता राजन जुड़ेंगे। राजन, बीजेपी एमएलसी ने वीडियो बनाते समय उन लोगों का फोन छीन लिया, बताया जा रहा है कि उन्होंने फर्जी मतदान करवाया है। बिल्कुल, देखिए कल वोटिंग थी, दूसरे चरण का चुनाव था और इस दौरान एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज एक बूथ पर पहुंचे। डिफेंस कॉलोनी स्थित एक बूथ पर पहुंचने के बाद में बंद कमरे में तो बंद कराकर वहां पर फर्जी तरीके से वोटिंग कराई जा रही थी, जिसका वहां स्थानीय लोगों ने विरोध किया। जो एजेंट थे उन्होंने विरोध किया और वहां पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, जिसपे मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, थाने की गाड़ी पहुंची, उन्होंने जाकर किसी तरीके से हंगामे को शांत कराया। वहीं दूसरी पार्टी के जो एजेंट थे उन्होंने ये पूरा मामला अपने मोबाइल वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। तो धर्मेंद्र भारद्वाज में ये जानकारी आई है सामने कि धर्मेंद्र भारद्वाज जो एमएलसी है गाजियाबाद सीट से, उन्होंने मोबाइल लेकर उनका फेंक दिया, तोड़ने की कोशिश की और यहाँ तक कि मोबाइल उनका रख भी लिया था, बाद में उन्हें दे दिया गया। इस तरीके की बातें सामने आई है, खबर फैल रही है कि धर्मेंद्र भारद्वाज ने वहां पर जो है काफी लोगों को डांटा है, नाराजगी जताई है और एक बंद कमरा करवा के फर्जी तरीके से मतदान कराया है। इस तरीके की युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हमने जब धर्मेंद्र भारद्वाज से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिलहाल उनका कहना यही है, उनकी तरफ से जो अभी तक खबर आई है उनका कहना यह है कि मैं वहां पर निरीक्षण करने गया था और ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है, ये झूठे आरोप है। जी, क्या बीजेपी एमएलसी को हार का डर था? जिस तरीके से बताया जा रहा है, उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने फर्जी मतदान करवाया है, प्रशासन का क्या कुछ इस पर एक्शन लिया गया है? देखिए बिल्कुल, जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं बीजेपी को छोड़कर अन्य जो प्रत्याशी हैं उनका यही कहना है कि धर्मेंद्र भारद्वाज के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। और बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है, मेरठ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के जहां जहां विधान जहां पर ये इलेक्शन हुए हैं, पहले चरण हो चाहे वो दूसरे चरण हो, सभी अधिकांश जगहों पर इस तरीके की खबरें देखने को मिली हैं कि फर्जी वोटिंग हुई है, बूथ कैप्चिंग हुई है, हंगामा हुआ है, बस्ते पर लाठीचार्ज हुआ है, यहाँ तक कि पुलिस तक पे आरोप लगे हैं कि फर्जी वोटिंग कराई गई है। तो इसी तरीके की एक ये भी खबर है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई, जिसमें धर्मेंद्र भारद्वाज खुद दिखाई दे रहे हैं कि लोगों को अंदर भेज रहे हैं और गेट बंद करने की कोशिश की जा रही है, एजेंट वहां पर हंगामा कर रहे हैं। तो फिलहाल इस मामले की चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात की गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर दिख रहा है कि चुनाव में वो हार सकते हैं, इसी को लेकर इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं और ये मामला जो है वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया गया है और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में देखना यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो पाती है। जी चेराजन, बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान सामने आया है? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर हमने एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज को 4 बार फोन किया, उनका फोन रिसीव नहीं हो पाया। हमने उनका वर्जन जानना चाहा कि आखिर उनका इस मामले पर क्या कहना है, फिलहाल फोन नहीं उठ पाया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो इस मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजन।
लखनऊ में एक सिपाही पर ट्रामा से मरीज को शिफ्ट कराने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सिपाही मरीजों को निजी अस्पताल में भेज रकम वसूलता था। वहीं इसको लेकर एम्बुलेंस चालक और सिपाही के बीच नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो भी अभी वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों एक दूसरे पर मरीज को शिफ्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल मामले की जाँच करने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चौकी इंचार्ज की कुर्सी पर बैठकर शराब पीने का मामला सामने आया है। इस मामले का फोटो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के खाता खेड़ी पुलिस चौकी इंचार्ज की कुर्सी पर बैठकर एक व्यक्ति शराब पी रहा था, उसका एक फोटो सामने आया है। यह फोटो होली के आसपास का बताया जा रहा है। इस फोटो के सामने आने के बाद मामले की जांच की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव सक्सेना जुड़ेंगे। गौरव, एक युवक का फोटो सामने आया जिसमें वो शराब पीते हुए दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये फोटो जो है होली के आसपास की है, इस पे एसएसपी ने एक्शन भी लिया है। देखिए आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है थाना मंडी के खाताखेड़ी चौकी का बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने जांच की। जांच में अभियुक्त का नाम इमरान है, जो हालांकि खाताखेड़ी का निवासी है, और सुसंगिध धाराओं में थाना मंडी प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने का कार्य किया है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अभी तक? देखिए, अगर हम बात करें तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई खबर था, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई लगातार रूप से की गई। अभी तक इसका कोई मीडिया में कोई बयान प्रशासनिक अधिकारियों का अभी तक कोई सामने नहीं आया। क्या इस पूरे मामले में किसी और लोगों की भी मिलीभगत दिख रही, क्योंकि थाने में बैठकर इस तरीके से फोटो सामने आई है, तो थाने में कहीं ना कहीं मिलीभगत तो होगी? देखिए, ये पूरा मामला जो है होली के पास का बताया जा रहा है, और इस तरीके से ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, उसके पश्चात सहारनपुर के पुलिस कप्तान विपिन ताड़ा ने चौकी प्रभारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। और ये सबसे बड़ी शहदमारी है पुलिस विभाग में कि थाना घर कहा जाता है पुलिस वालों का, और इस तरीके से शराब पीना, थाने में बैठकर शराब पीना, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूपी में पुलिस व्यवस्था नाकाम है, और किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है अपने आप को संभालने में और अपनी कार्यशैली में किस तरीके से लचीला नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। लखनऊ के माल थाने के आजाद नगर के कलेक्शन सेंटर पर नकली दूध बनाने का आरोप लगा है। बता दें कि पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि दूध को केमिकल मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके साथ सेंटर संचालक घर में भी मिलावटी दूध तैयार करता है। इस मामले पर सहायक आयुक्त ने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही। माल ब्लॉक बाउंड्री के पीछे आजाद नगर का मामला बताया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां कलेक्शन सेंटर पर मिलावटी दूध बनाने का आरोप लगाया गया है। केमिकल मिलाकर दूध को तैयार किया जाता है। बताया जा रहा है कि इसको बाजार में बेचा भी जाता है, केमिकल मिलाकर दूध को तैयार किया जाता है, कर्मचारी ने कहा है। खबर लखनऊ से है, कलेक्शन सेंटर पर मिलावटी दूध बनाने का आरोप लगाया गया है। कलेक्शन सेंटर पर मिलावटी दूध बनाने का आरोप लगा है। दूध को मिलावटी तरीके से बनाया जाता है और जिसको बाजार में बेचा भी जाता है। खबर लखनऊ से है, कलेक्शन सेंटर की ये खबर सामने आई, जहां पर मिलावटी दूध तैयार किया जाता है। लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे टहल रहे लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। बोलेरो की टक्कर में ही एक ही परिवार के दर्जन भर लोग घायल हो गए। वही घटना के बाद बोलेरो सवार मौके से फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के गौरा गांव के पास का मामला ये बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में वाहन जांच के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस न दिखाने पर युवक की पुलिस कर्मियों ने बेरहमी से पिटाई की। पिटाई के दौरान लॉकअप में डालकर बिजली का करंट भी लगाया, इससे युवक की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में युवक को प्रयागराज के निजी अस्पताल लाया गया। एसपी के आदेश पर आरोपी चौकी प्रभारी समेत 3 दिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है।
लखनऊ में चाकू की नोक पर युवती से रेप का प्रयास किया गया। आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर युवती से रेप का प्रयास किया। वहीं आरोपी पर चेन और झुमकी लूटने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं पीड़िता आरोपी के खिलाफ थाने में दर्ज मुकदमा कराया गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डिग्गी में तीन नौ युवतियां बैठी हुई हैं। उसमें डिग्गी भी पूरी तरीके से खुली हुई है और तीनों पीछे डिग्गी में बैठकर गाड़ी में सफर कर रही हैं। गाड़ी चालक गाड़ी ज्यादा तेज नहीं चला रहा है, नहीं तो रास्ते में पड़े स्पीड ब्रेकर पर यदि गाड़ी तेजी से उतार दी जाती तो तीनों में से कोई या तीनों लड़कियां सड़क पर गिरकर हादसे का शिकार हो जाती। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही है। बता दें कि खबर गाजियाबाद से है, जहां तीन लड़कियों का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि तीनों लड़कियां गाड़ी के डिग्गी के पीछे बैठी हुई थी, जिसमें गाड़ी के डिग्गी का सीट भी खुला हुआ था। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने इस पर एक्शन लिया और मामले की जांच पड़ताल की बात कही है। तो लगातार स्टंट वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब वहीं एक खबर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां पर एक गाड़ी में तीन लड़कियां डिग्गी के पीछे बैठी हुई हैं। तीनों का सीट डिग्गी पे खुला हुआ है, बताया जा रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जहां गाजियाबाद पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।